imagina. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गरेना फ्री फायर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग फिर से स्वागत है गरेना फ्री फायर गेम में। तो गाइज, मैं आपको पहले बताता हूँ यार, मैं दो गेम खेलता हूँ, एक कैस्टल क्रैश और एक गरेना फ्री फायर। कैस्टल क्रैश फ्रेंड्स इसीलिए क्योंकि मैं बहुत पहले से वो गेम खेल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर कैस्टल क्रैश वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे कैस्टल क्रैश मैं खेलता हूँ और एक गरेना फ्री फायर। तो गाइज, मेरे चैनल पर ये आपको दो गेम यार देखने को मिलेगा, एक कैस्टल क्रैश और एक गरेना फ्री फायर। तो गाइज, आप लोग थोड़ा सा मतलब घबराना मत कि मैं गरेना फ्री फायर का अपलोड करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कैस्टल क्रैश करो तो कुछ लोग गरेना फ्री फायर। तो गाइज, मैं सिंपली बता तो यार, मैं दोनों गेम का करता हूँ, जो मैं दोनों का करता हूँ और हमेशा टाइम पे मैं सही। और किसी का अपडेट पहले आता है या कैस्टल क्रैश का अपडेट आ गया या गरेना फ्री फायर का, तो गाइज हम सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। तो गाइज, उसका टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा वीडियो पहले आएगा कौन सा वीडियो नहीं आएगा, तो वैसा कोई बात नहीं है। गाइज, जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, आप लोग बेल आइकन अगर दबा के रखोगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में चलो आप शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, दो मैजिक क्यूब को मैं ओपन करके दिखाऊंगा, तो जिसमें एक मैजिक क्यूब तो जो मेरा पर्सनल आईडी है उससे आपको ओपन करके दिखाऊंगा, एंड दूसरा मैजिक क्यूब मेरे फ्रेंड्स का है जिसका नाम रिटिको है, तो वो भी मेरे गाइल्ड का ही है, तो वो मेरे फ्रेंड से पर्सनली फ्रेंड है, तो मैं उसका भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो उसमें मैजिक क्यूब में हम लोग कौन सा बंडल लेंगे। तो गाइज, अभी तक मैं अगर जो मेरे गाइल्ड के फ्रेंड्स होंगे गरेना फ्री फायर वाले, तो वो तो देख लेंगे कि हम कौन सा बंडल लें, एंड अगर जो लोग नहीं देखे तो गाइज यहाँ पर देख लो। तो मैं अभी जस्ट ये लो बोया हो गया थोड़ा सा, ये इमोट यूज कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो है हम अब आपको दो बंडल जो लेंगे, अभी कौन कौन सा बंडल लेंगे उसे ओपन करके दिखाएंगे। और गाइज, आई होप करता हूँ आप सभी लोग फ्री वाला जो मैजिक क्यूब मिल रहा था आप सभी लोग ले लिए होंगे, जैसे मैंने भी लिया। मुझे भी बहुत ही दिक्कत से मिला, क्योंकि यार उस दिन सर्वर बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था कि एकाएक सब बंदा एक साथ ही मैजिक क्यूब लेने आ गए थे, तो गरेना का सर्वर थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी बाद में गरेना ने टाइम दिया शाम में 6:30 हम मतलब बता भी दिए, जो जो हमसे पूछ रहा था हम उसको बता भी दिए कि शाम में टाइम दिया गया है जिसने पूछा। तो गाइज, आओ यहाँ से जो है हम आपको एक दिखाते हैं, ये पहले वाला, ये पहले से ही मैं इसे रिकॉर्ड करके रखा था, क्योंकि दिवाली यहाँ पे जो हमको मैजिक क्यूब मिला था तो वो मैं पहले से ही करके रखा था, तो दिखाता हूँ कैसे हमको मिला था। तो हम 15 मिनट गेम खेले थे, जो कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही हमको मिल गया था। तो ये देखो, यहाँ स्केलम करते हैं, तो वही 15 मिनट खेले थे जो कि हमको मिल गया। हमको मेरा भी टाइम लगभग, मैं मानो तो मेरा 2:30 हो गया था, हमको लगा नहीं मिलेगा, बट फिर भी हमको मिल गया गाइज, क्योंकि खेले टाइम पे। और हम सोलो ही कर दिए स्टार्ट, हम उतना फ्रेंड व्रेंड के साथ नहीं, डायरेक्ट सोलो कर दिए। सोलो करके सर्वाइव करके हमको जो हुआ हम अपना खेले, और हम अपना 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि दो गेम खेले और 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया, सर्वर गया हटाओ, तो हमको फाइनली हम ले लिए। तो गाइज, यहाँ पे आओ हम ये वाला एक बंडल लेंगे, यहाँ पे बहुत सारा बंडल है। तो गाइज, हमको जो है इसका मेल वाला बंडल चाहिए जो विजिलिएंटे लिखा है, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 बंडल पहले से ही है, तो इसलिए मैं फाइनली ये बंडल ओपन करता हूँ। तो गाइज, यहाँ से ये बंडित बंडल ओपन हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, इसका नाम बंडित बंडल है यार। इसका जो डिज़ाइन किया गया हमको बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका डिज़ाइन आप देखोगे तो हमको जस्ट टाइप का एक बैटमैन टाइप का इसका डिज़ाइन लगता है, देखने में हमको बहुत ही बढ़िया रंग का डिज़ाइन लगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलरेडी 3 बंडल थे, तो मैं एक ये वाला बंडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स इस बंडल का डिज़ाइन हमको बहुत बढ़िया लगा। तो सबका अपना अपना पसंद है, तो अगर फ्रेंड्स मेरा पहला बार होता तो पहला बार में हम टॉप गेमर या जोकर ही लेते, तो ज़्यादा चांस रहता हम जोकर ही लेते, बट मेरे पास जोकर टॉप गेमर और एक मुलान का, मेरे पास अभी 4 मैजिक क्यूब का बंडल मेरे पास पहले से ही है। तो एक तो और कितना तो फ्रेंड्स हम आपको बताए भी थे पहले, अभी डायमंड रॉयल में पहले मिलता था, वो सब बंडल को ला के मैजिक क्यूब में फिर से सेट कर दिया, पहले डायमंड रॉयल में और सब पहले का बंडल होता था। तो गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि वे बंडित बंडल जो ये ब्लैक कलर का, जो ब्लैक पैंथर टाइप का, अब ब्लैक पैंथर या बैटमैन कोई बोलो, ब्लैक पैंथर ही साइड रहेगा, तो उस टाइप का बंडल था, तो वो ले लिया। तो गाइज, यहाँ से आ जाते हम अपने एक जो मेरा फ्रेंड्स है, मैं उसका आईडी में आ गया। तो गाइज, उसका नाम रिटिको। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, मैं अब इसमें मैजिक क्यूब आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो गाइज,
यहाँ पे देखो हम कौन सा बंडल निकालेंगे। तो गाइज मेरा जो ये फ्रेंड्स है इसका कहना था कि हमको फीमेल वाला बंडल चाहिए था, जो कि एक क्रेजी पंडा जो एक फीमेल वाला बंडल है। तो गाइज वो भी बंडल बढ़िया था, क्रेजी पंडा वो भी खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया था। बट गाइज फिर उसका चॉइस बदल गया, उसने कहा कि हमको मेल वाला बंडल चाहिए। तो गाइज यहाँ से हम उसका मेल वाला बंडल ही निकालेंगे। तो अभी रेडिम रेडिम और उसका कहना था गाइज हमको ऐसा बंडल दो जो कि बहुत, तो मतलब ज़्यादातर लोग नहीं लिया होगा, मतलब बहुत ही कम वो वैसा बंडल लिया होगा। तो गाइज वो बहुत ही अलग टाइप का चॉइस किया। तो गाइज यहाँ से हम देखे तो हम लोग चाहते थे ये वाला सब ग्लैडियट स्टार जनरल ये सभी निकाल सकते थे, एंड यहाँ से विंटर वॉरियर जो है वो भी अच्छा लगा। तो गाइज हम यहाँ से जो है इसका ये वाला बंडल निकालेंगे, इसका नाम है बायोफोर्ज बंडल, बोसिडो टाइप का जो है बायोफोर्ज बंडल, हम उसका ये बंडल निकालेंगे। तो गाइज इस बंडल में उसका हेयर जो है, हेयर हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि अगर आप फ्रेंड्स हायाटो करेक्टर खेलते हो लेके तो उस पर अगर ये बाल सेट करोगे तो यार गजब लेगा। तो यहाँ से आओ हम इसे फाइनली पैक करते हैं। तो उसका चॉइस भी उसके चॉइस टाइप से, तो यहाँ से फाइनली वो बंडल निकल गया। तो गोटे रेड आइटम, तो बायोफोर्ज बंडल यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हो फाइनली यहाँ से निकल गया। तो गाइज यहाँ से हम आपको जो है इसमें शूज, हेयर एंड मास्क एंड पैंट और शर्ट, टोटल 5-6 चीज़ मिल गया। तो चलो अच्छा है गाइज, इसे भी बंडल मिल गया मैजिक क्यूब, तो सभी के लिए फ्रेंड्स अच्छा ही रहा होगा यार, फ्री मैजिक क्यूब मिल गया, क्योंकि बहुत लोग को मैजिक क्यूब चाहिए था। तो ज़्यादातर मैं देखा तो मैं अभी खेला था यार, ज़्यादातर जोकर 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 हर जगह जोकर जोकर, लेकिन सही में बोले तो जोकर ही ज़्यादा ज़्यादा लोग जोकर ही निकाले हैं, जोकर और टॉप गेमर, लेकिन ज़्यादा हम जोकर ही देखें, ज़्यादा जो निकाला ज़्यादा जोकर ही निकाला। तो गाइज अच्छा है, तो जोकर अगर हम भी रहते तो हम भी जोकर निकालते थे यार, मस्त लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड यू विल बी हैप्पी।